अस्सलाम वालेकुम एक्सप्लोर पाकिस्तान विद बासित कुरैशी। आज का हमारा टूर जो ट्रिप बन रही है सैकुंडी मेडोज, लेकिन जो हमने ट्रैक करके आए हैं काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं इस वक्त। ये हैं अब्दुल वाहिद कुरैशी, जो कि काफ़ी इनके लिए भी मुश्किल दरपेश हो रही है। ये देखिए वो नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया और तकरीबन अभी हम 8000 की हाइट पे हैं। ये हमारा जो टारगेट है जाने की जगह है वो टॉप ऑफ जो आपको नज़र आ रही है जगह ना, इसके पीछे एक सैकुंडी मेडोज है, उसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब फरहाद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं, ये बालाकोट से तशरीफ आप फरमा हैं, और अब्दुल वाजिद कुरैशी ये भी चकवाल से, लेकिन ये हमसे पहले आए हैं, ये आदि हो चुके हैं इन वादियों के, और अब्दुराजक कुरैशी भी हमारे साथ हैं। आज के अब्दुल वाजिद जो है वो आज के हमारे गाइड हैं, हमें गाइड कर रहे हैं साथ साथ, रास्ते दिखा रहे हैं हमें रास्तों को। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यार, इसी को एडवेंचर कहते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो कहता हूँ लाइफ जीने का मज़ा यही है कि यार सारी ज़िंदगी बंदा पैसे बनाता है, जॉब करता है, बस तक हो जाता है एक लाइफ में। सो जो लोग इन जगहों को नहीं देख पाते या टाइम नहीं निकाल पाते, मैं तो कहता हूँ उनकी कोई लाइफ नहीं, कोई नहीं दिखा रहा। ये आपको यूट्यूब पे बल्कि गूगल पे कहीं पे ये जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, फर्स्ट टाइम वही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जगह सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लेकिन आप पैदल विज़िट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्पेशली हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर नहीं करता गाड़ी भी। बहुत मुश्किल ट्रैक है और ये पहली दफ़ा, हमें उम्मीद है हम पहली दफ़ा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल एक्सप्लोर पाकिस्तान विद बासित कुरैशी को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देख कर। हमारा आज का सफर यकीनन खुशगवार गुजर गया, मौलवी साहब हमारे साथ है और ये देख सकते हैं गत्ते खेलते हुए। यार एंजॉय की हद होगी आज। जनाब सफेद स्टोन कीमती पत्थर है, बहुत ज्यादा इसकी मांग है पाकिस्तान में और अवर कंट्री में, लिहाजा जिसको चाहिए सबसे पहले हमें कमेंट करे, जिसने कमेंट किया उसको उसके एड्रेस पर सफेद स्टोन भेज दिया जाएगा। शुक्रिया। Oh, oh, oh.
अच्छा ये देखें जानवर बड़े जो डिसिप्लिन से जा रहे हैं, आगे जो इनका मालिक जा रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रहे हैं पीछे उसको जो है ना फॉलो अप कर रहे हैं। और ये देखिए कैसे लाइन में जा रहे हैं और कैसे जो है पीछे जा रहे हैं, और अगर इनको इंसानों से कंपेयर किया जाए मैं तो कहता हूँ ये बेहतर है, ना उनका कोई डिसिप्लिन है। हाँ हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना तो आएँ, थोड़ी ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? कितना दिन वहाँ स्टे किए? ये सारा आपका अपना माल है? माशाल्लाह यार बड़ा अच्छा सेहतमंद जानवर है। तो आगे आपका क्या प्लान है, कितने दिनों तक आप मालाकोट तक? तो कैसा मतलब ये यहाँ आप इतने हाइट पे रहते हैं तो किस तरह आपका टाइम गुजरता है? ये रखिए अगर हम मजबूरी से गुजरते हैं माल के साथ। माशाल्लाह बिजनेस आपको बड़ा अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। तो इसमें से कोई बीमारी की वजह से भी कोई इनकी होती है डेथ या मर जाते हैं? होते हैं, फिर दवाई इलाज होती है, ठीक हो जाते हैं, मर जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह आप हाइट पे रह रहे हैं, यहाँ किसी जंगली जानवरों से आपको कोई ख़तरा या इस तरह कुछ? यार नहीं है, कभी कभी आते हैं बस फायरिंग करो भगा जाते हैं। अच्छा मतलब असला शसला रखते हैं अपने आप को स्कोर? चलें अच्छी बात है। ये हमारे खान भाई हैं, ये हरिपुर से हैं ना आप बिलोंग करते हैं? हरिपुर से बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह इनका अपना जो है सारा ये जानवर है। अभी ये खान भी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये सब के सब यहाँ पे रुके हैं और ये रात को यहीं पे खड़े होकर गुजारेंगे। तो यही ये भी जो है ना रात को यहीं पे खड़े होंगे, ये बड़े मनहूस जानवर हैं। अभी इनकी आप देखें डिसिप्लिन देखें, जहाँ पे इनका मालिक खड़ा है ना उसके एक गेट ये खड़े हो गए, जैसे वो आगे जाएंगे साथ साथ वो जाएंगे। तो हमारे जाने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये बीच में गिदड़ आ गया, इसने आवाज निकाली। चेक करें।
क्या खा ली? मैं होगी कितनी मजे की है यार, ये कहां से लाई है यार? इतनी थाली है, बड़ी सोनी जगह, बढ़िया जगह यार। नहीं हो रहा है ये आंधी की तो है, ये पता नहीं यार दुकाना तो आंधी है, लेकिन बाबे बड़ा सच कर, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद है। इस जगह तो निम्बू बड़ा मजा कर रही ड्राल तुम्हें
हाँ जी फरहाद कुरैशी, कैसा लगा आज का टूर? यार रास्ते को देखा जाए तो बहुत मुश्किल है यार, बड़े थके हैं, लेकिन इस जगह पे आके हमारी सारी थकावट दूर होती है। जगह देख सकते हैं खूबसूरती के लिहाज से यार, यकीन जानिए मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा जिंदगी में, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। ये बैकवर्ड एरिया है, यूट्यूब पे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस जगह जो है ना, आज इस जगह पे यहाँ आए हैं तो हमें पता चला है कि अल्लाह ने यही हमारे लिए, इंसानों के लिए कितनी खूबसूरत जगह बनाई हुई है। देखें अल्लाह की बड़ी बयान करें तो यकीनन इस जैसे दूसरा कोई सीन नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए। तो आपने कितना ये ट्रैकिंग आपकी, मतलब कितना टाइम लगा आपको यहाँ पर? हमारा तकरीबन जो है ना 5 से 6 घंटे का टोटल जो पैदल ट्रैक था हमारा, वो भी यहाँ पे जो मुकामी है वो बोल रहे हैं कि यार हमारे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारा जो है ना फर्स्ट ईमान हुआ यहाँ पे, स्टे करते करते यहाँ पे आए, अगर नॉन स्टॉप आते तो आई थिंक हमारा जो है ना 2 से 2.5 घंटे, लेकिन नॉन स्टॉप हम आने के नहीं, तो रेस्ट करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। 5 से 6 घंटे हमारे लगे हैं, लेकिन वो 5 से 6 घंटे हम भूल गए, बिल्कुल जिंदगी से हमने निकाल दिए। अब इस चीज़ को हमने इंजॉय करना है, इस चीज़ को हमने यादगार बनाना है। इसका मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद यार, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद यार, दिल खुश हो गया इस जगह पे आके। अच्छा ये अब्दुल वाहिद कुरैशी है, आज इन्होंने हमारे साथ की है ट्रैकिंग की है, हाइकिंग की है, तो काफ़ी इनके लिए मुश्किल हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, क्या आपके फीलिंग्स हैं, क्या आपकी क्या कहना चाहते हैं इस जगह के बारे में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी जगह है। रास्ता काफ़ी मुश्किल और दुश्वार था असल में, पहाड़ों को क्रॉस करते 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 जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है देखिए मैदानी एरिया है, मैदानी एरिया है, कोई आदमी बंदा या ना बंदे की ज़ात यहाँ पे नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो जगह आपके सामने हम आज लेके आए हैं, ये आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, Google पर नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। उसकी वजह यह है कि यहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं वो काफ़ी दुश्वार हैं, और मकामी हज़रात जो यहाँ पे वादी कागान के या पीछे इधर बसते हैं वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ आम लोगों को यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है जी। इसका मतलब है आप यहाँ पे आके आपकी जो सारी थकावट है इस जगह को देख के, आपकी सारी थकावट मेरे ख्याल में दूर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी ज़मीन बनाई है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और हमें चलना चल फिर के देखना चाहिए, अल्लाह की कुदरत को देखना चाहिए। देखिए ये पहाड़, ये आप तकरीबन यूँ लगता है जितना आप आसमान के बिल्कुल करीब पहुँचे, वो ऊपर देखें कोने में जो पहाड़ का सिर है बिल्कुल बादलों में घेरा हुआ है, महसूस इस तरह होता है कि जिस तरह आप आसमान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो वहां से फिर इसी तरह ही आपको आगे जो ना वो दूर हो और पहाड़ें नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन रास्ते बहुत मुश्किल हैं, तो बस ये इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जैसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो आपको सिर्फ इस चैनल पर मिल सकती है, बाकी कहीं भी नहीं मिलेंगी। चलें बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और अपना जो है ना अपने तहफात ज़ाहिर किए, तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कराची से आऊंगा वो मैं माशाल्लाह आपको सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जानवर जो है ना बहुत काफ़ी तादाद में, क्योंकि पानी की मकदार, घास की मकदार, हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। देखिए ऐसे भी जो आगे जगह या कोई ऐसा पॉइंट है वो हम आपसे शेयर करेंगे हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ये छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे टोटली जो मकान बने हुए हैं कुछ तो लोग यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, टोटली पत्थरों से बने हुए हैं, तो कुछ गर्म है अभी आबादी है, लेकिन ये जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लग रहा तो आउटसाइड से डेंजरस लग रहा है। ये देखिए कैसे बंदा अगर एक कदम